क्या शाइस्ता प्रवीण को गुड्डू मलिक ने मरवा दिया? आखिर कहाँ है शाइस्ता? पति और बेटे के जनाजे पर क्यों नहीं आई शाइस्ता? शाइस्ता प्रवीण ये नाम है जिसकी पुलिस को तलाश है, लेकिन जरा सोचिए आखिर ऐसी कौन सी औरत होगी जिसका बेटा मर गया लेकिन ममता नहीं फंसी जी। चलिए एक बार को ये सोचा जा सकता है कि शायद शाइस्ता को अपने पत्नी धर्म के आगे अपनी ममता को ना चाहते हुए भी दरकिनार कर रही होगी, क्योंकि अगर वो अपने बेटे को देखने आई तो अपने शौहर के सारे राज उगलने पड़ेंगे, क्योंकि माना जाता है कि एक आदमी के सारे राज पत्नी जरूर जानती है। और फिर तो शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में अहम किरदार निभा रही थी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के पास अतीक के सारे काले कामों के तालों की चाबी थी। यहाँ तक कि पति और देवर के जेल जाने के बाद शाइस्ता ही अतीक के गैंग की सरगना थी। सिम कार्ड से लेकर पंडित तक शाइस्ता के इशारों पर ही होता था। ऐसे में शाइस्ता परवीन ने माँ का फर्ज नहीं निभाया, उसके पीछे की वजह थोड़ी बहुत समझ आती है, लेकिन अब जब वो ये कारण यानी अतीक इस दुनिया में नहीं है तो शाइस्ता पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रही? इस मामले में सबसे बड़ा सवाल कि आखिर शाइस्ता अपने शौहर को अंतिम बार देखने भी नहीं आई, लेकिन क्यों? ये सवाल सुनने में तो फिल्मी लगता है, लेकिन जिस फिल्म स्टाइल में अतीक और अशरफ को गोली से भूनकर हत्या कर दी गई, ये सवाल की विश्वसनीयता उतनी ही पुख्ता हो जाती है, क्योंकि एक माँ की ममता और पत्नी का दिल इतना पत्थर नहीं हो सकता। तो क्या शाइस्ता ने बेटे और पति को खोने के गम में खुदकुशी कर ली? तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर उसे मरना ही होता तो बेटे पति और देवर के मरने के बाद उसे पुलिस से किस बात का डर था? तो अब सबसे अहम सवाल उठता है कि क्या शाइस्ता की हत्या कर दी गई? अगर हत्या हुई तो किसने की? तो इसका जवाब तर्कों से ढूंढे थे कुछ लफ्ज कानों में गूंजते हैं कि मैंने बात तो यह है कि गुड्डू मुस्लिम और फिर गोलियों के तड़तड़ाहट से अल्फाज शाइस्ता के देवर अशरफ के थे जो अंतिम शब्द थे। अंतिम शब्द में गुड्डू मुस्लिम का जिक्र। गुड्डू मुस्लिम आखिर कौन है? क्या शाइस्ता को गुड्डू मुस्लिम ने मार डाला? और क्या गुड्डू मुस्लिम ने ही दोनों भाइयों को मरवाने की साजिश रची? इस मामले में अचानक इस ट्विस्ट में गुड्डू मुस्लिम ही खेल को खत्म करता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अशरफ गुड्डू मुस्लिम का जब जिक्र कर रहा था तभी उस पर हमला किया गया। अब जो सवाल उठते हैं कि आखिर गुड्डू मुस्लिम है कौन और वो क्यों अतीक अशरफ और शाइस्ता को मार सकता है? तो चलिए तर्कों के जरिए सभी सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। गुड्डू मुस्लिम, जो गुड्डू बमबास के नाम से भी जाना जाता है, अतीक के लिए उसने कई बम बनाए। कहा जाता है कि चलती बाइक पर भी बम बनाने में माहिर है। उमेश पाल हत्याकांड में उसके बम फेंकने का मजा हुआ अंदाज ये साबित करता है। तो आखिर गुड्डू मुस्लिम को अचानक क्या हुआ जो उसने अतीक से गद्दारी करने का फैसला लिया? तो शायद ये हो सकता है कि अतीक, अशरफ और शाइस्ता इन तीनों ने गुड्डू मुस्लिम को काम निकालने के बाद पलड़ा झाड़ लिया था। ऐसा इसलिए क्योंकि सूत्रों के मुताबिक अतीक और अशरफ ने जेल से ही असद और गुलाम को छुपाया था, लेकिन गुड्डू मुस्लिम के बारे में जिक्र भी नहीं किया। वहीं शाइस्ता ने भी गुलाम से वादा लिया था कि वो उसके बेटे असद का हर पल साथ देगा। इन सभी पहलुओं पर गौर किया जाए तो साफ पता चलता है कि अतीक के परिवार में गुड्डू मुस्लिम की अहमियत नहीं थी। और जानकारी के मुताबिक अतीक ने पहले ही ऐसे कई मोहरे इस्तेमाल कर चुका है। पहले मरवाता है और फिर उन्हें पुलिस के मरने के लिए छोड़ देता है। तो क्या खुद को इस तरह मोहरा बनाए जाने पर गुड्डू मुस्लिम नाराज हो गया, जो उसने सही मौके के इंतजार में अतीक और अशरफ को मरवा दिया और शाइस्ता को पहले ही मार डाला? सवाल बहुत से हैं, लेकिन सही जवाब उन लड़कों के पास ही है। और गुड्डू मुस्लिम के पास जो भागता फिर रहा है, कभी नासिक तो कभी कर्नाटक। हालांकि कहने वाली तो ये भी कह सकते कि शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम का अफेयर भी हो सकता है।